पार्ट वन वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया। अगर आप दोबारा उस BM1 के कोऑर्डिनेट्स को चेक करना चाहते हैं कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है, तो आप सिंपली स्टेशन डेटा में इस जगह के कोऑर्डिनेट्स को आप लिख दें जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे अननोन पॉइंट्स के। तो अननोन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये वाले थे 2010 और 2993 में, तो ये हमारे अननोन पॉइंट के थे। हम अभी देखते हैं कि BM1 और BM2 के कोऑर्डिनेट्स 2000 3000, ये हमारे पास सही है कि सही नहीं है। तो अभी इसको सिंपली आप स्टेशन डेटा में ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट कर लो, उसके बाद सिंपल आपने ऑब्जर्वेशन में जाना है। अच्छा, बैक साइड में आप उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते 2000 3000, तो इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। इसको आप ओके कर दें, सेट कर लें। सेट करने के बाद इसको यस कर लें और ऑब्जर्वेशन में जाकर चेक कर लें कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। इसको सिंपल आप यस कर लें। यस करने के बाद आप जाएं ऑब्जर्वेशन में, तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन को क्लिक कर दिया। आप अगर दोबारा भी ऑब्जर्वेशन को क्लिक करना चाहें तो F4 को प्रेस कर लें। तो ये आप देख सकते हैं 199.999 और ईस्ट है 3000। तो हम प्रीवियस वैल्यू के साथ चेक करते हैं जो कि था 2000 और 3000, तो मतलब इसमें कोई एरर नहीं है और हमने रीडिंग मुकम्मल सही ली है। तो ये तरीका था कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का और उसको चेक करने का। इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने प्रिज्म बॉल को मुकम्मल सीधा रखना है, उसका बबल मुकम्मल सेंटर में होना चाहिए और आपने टारगेट हाइट भी देनी है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।